प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट सेकंड मैनेजमेंट, आज इसमें अपन आगे बात करेंगे मोटिवेशन के ही संबंध में। देखिए, मोटिवेशन के बारे में अपन ने एक तो सामान्य अध्ययन किया था, उसके पश्चात मोटिवेशन की विभिन्न विचारधाराओं की अपन बात कर रहे थे। तो विभिन्न विचारधाराओं में हमने ये देखा कि बहुत से साइंटिस्ट ने अभिप्रेरण की विभिन्न विचारधाराएं प्रकट की हैं कि किस प्रकार से हम एक व्यक्ति को कार्य करने के लिए अभिप्रेरित कर सकते हैं। मोटिवेशन जो है, ये मूल रूप से व्यक्ति के व्यवहार से संबंधित होता है। तो जितने भी विद्वान हैं, उनमें से अधिकांश जो हैं वो मनोविज्ञान से ही संबंध रखने वाले हैं। लास्ट टर्म पर अपन ने मास्लो के बारे में अध्ययन किया था। मास्लो ने व्यक्ति की आवश्यकताओं को बहुत विस्तार से समझाया था और उनका एक क्रम निर्धारित किया था, और इसीलिए मास्लो की विचारधारा जो है वो आवश्यकता की क्रमबद्धता यानी नीड्स हायरार्की के नाम से जानी जाती है। उसमें अपन ने देखा था कि कुछ आवश्यकताएं हैं जो जीवन निर्वाह से संबंधित हैं, वो पूरी हो जाती हैं तो सुरक्षा की आवश्यकता आती है, सुरक्षा की आवश्यकता के पश्चात सामाजिक आवश्यकता आती है, फिर अहंकारी या स्वाभिमान संबंधी आवश्यकताएं हैं, और फिर अंत में आत्मविकास या सेल्फ एक्वलाइजेशन की आवश्यकताएं होती हैं। तो इस क्रम में जो है व्यक्ति की आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं, और आवश्यकता जब तक संतुष्ट नहीं होती है जब तक ही वो व्यक्ति को अभिप्रेरित करने का कार्य करती है। इसी क्रम में आज अपन एक दूसरी विचारधारा के बारे में बात करेंगे। ये विचारधारा जो है, ये हर्ज़बर्ग, एक दूसरे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने इस विचारधारा को प्रतिपादित किया है। देखिए, हर्ज़बर्ग ने मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी के नाम से एक अभिप्रेरण की विचारधारा दी है। तो हर्ज़बर्ग ने ये बताने का प्रयास किया है कि दो प्रकार के तत्व होते हैं। उनमें से पहला तत्व जो है उसको उन्होंने आरोग्य पोषक यानी हाइजीन मेंटेनेंस के नाम से जाना है, बताया है, और दूसरा जो है अभिप्रेरक तत्व है, मोटिवेटर्स है। तो देखिए, हर्ज़बर्ग ये कहता है कि संस्था में हमको किस तरह का वातावरण रखना चाहिए, संस्था की क्या स्थिति होनी चाहिए जिससे कि व्यक्ति असंतुष्ट नहीं हो। देखिए, हर्ज़बर्ग ये कहता है कि जो आरोग्य पोषक तत्व हैं, ये आरोग्य पोषक तत्व जो है ये किसी व्यक्ति को मोटिवेट नहीं करते हैं, लेकिन संस्था में इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न करते हैं, इस प्रकार का वातावरण पैदा करते हैं जिससे कि व्यक्ति के संतोष में वृद्धि होती है, उसके सेटिस्फेक्शन में वृद्धि होती है। इसी बात को आप इस रूप में भी कह सकते हैं कि अगर ये स्थिति या परिस्थिति उत्पन्न नहीं हो तो व्यक्ति जो है वो असंतुष्ट महसूस करता है, असंतोष की भावना उसमें पैदा होती है। ये सारे तत्व जो उसने आरोग्य पोषक के अंतर्गत बतलाए हैं, उसमें वो ये कहता है कि ये कभी भी अभिप्रेरित करने का कार्य नहीं करते हैं, लेकिन अभिप्रेरण से पूर्व का एक वातावरण या स्थिति या परिस्थिति अवश्य उत्पन्न करते हैं जिससे कि व्यक्ति में संतोष या असंतोष का लेवल, उसका स्तर जो है वो निर्धारित होता है। तो इसमें उसने बहुत से फैक्टर्स को, बातों को रखा है। तो हाइजीन मेंटेनेंस के अंतर्गत उसने, हर्ज़बर्ग ने जिन जिन बातों को शामिल किया है तो उसमें ये बताया गया है कि जैसे संस्था की नीतियाँ किस प्रकार की हैं, संस्था का प्रशासन किस प्रकार का है, यानी बहुत ज़्यादा आप कंट्रोल रखते हैं या नहीं रखते हैं, सेंट्रलाइजेशन होता है या नहीं होता है,
आप सबोर्डिनेट्स को पार्टिसिपेशन का कितना कम या ज़्यादा मौका देते हैं आगे आते हैं। इसी तरह से वर्किंग कंडीशंस यानी कार्य दशाएं, कार्य करने की परिस्थिति किस प्रकार की है, वर्किंग कंडीशंस में आप कर्मचारियों को क्या सुविधाएं आदि प्रदान कर रहे हैं, कार्य करने का वातावरण उनका साफ स्वच्छ है या दूषित है, उनको किन परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है आदि आदि बातें। इसी तरह से कार्य सुरक्षा, जॉब सिक्योरिटी, यानी कहीं ऐसा तो नहीं है कि हायर एंड फायर की पॉलिसी है, आज रखा कल आपने निकाल दिया आदि बातें। इसी तरह से आप कर्मचारी को कितना वेतन या मजदूरी दे रहे हैं, वेतन मजदूरी के अतिरिक्त आप उसको और कौन कौन से बेनिफिट्स आदि प्रदान कर रहे हैं, कौन कौन से उसको अतिरिक्त अलाउंसेस आदि प्राप्त होते हैं। इसी तरह से संगठन में आपसी संबंध, पारस्परिक संबंध व्यक्तियों के किस प्रकार के हैं, वो सौहार्दपूर्ण हैं या नहीं हैं, या उनमें एक तनाव की स्थिति रहती है, या वो एक दूसरे पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, ये सारी बातें हैं। तो ये देखिए, इन सब चीज़ों का यदि अपन अध्ययन करें तो ये एक तरह का वो वातावरण है जिसमें एक कर्मचारी काम करता है। अब अगर ये वातावरण जो है वो कर्मचारी के लिहाज से अगर फेवरेबल है, अच्छा है, तो कर्मचारी जो है वो अपने आप को संतोषप्रद स्थिति में अनुभव करेगा। और यदि इस वातावरण में कहीं कोई कमी है तो फिर कर्मचारी अपने आप को असंतुष्ट महसूस करता है। तो हसबर्ग जो है वो दो प्रकार की बात कर रहा है। तो पहले में तो उसने ये हाइजीन फैक्टर के बारे में बताया है, यानी हाइजीन फैक्टर जो है वो एक तरह से संस्था के स्वास्थ्य की बात कर रहा है कि संस्था की स्थिति कैसी है, संस्था का स्वास्थ्य कैसा है। अब दूसरे उसने जो कुछ फैक्टर्स बताए हैं जो मोटिवेटर्स के नाम से जाने जाते हैं या जो अभिप्रेरक के नाम से जानते हैं। अभिप्रेरक का मतलब है कि जो चीज़ वास्तव में कर्मचारी को मोटिवेट करती है। तो उसमें देखिए हसबर्ग का सीधा सा कहना है कि आदमी को उसका कार्य मोटिवेट करता है, उसकी उसका उत्तरदायित्व मोटिवेट करता है, उसके जो अचीवमेंट हैं वो उसको मोटिवेट करते हैं। तो इसके अंतर्गत हसबर्ग किन किन चीज़ों को शामिल करता है, तो उसमें जैसे ये बताया है कि उसका कोई उपलब्धि है, अचीवमेंट है, उसको कोई पुरस्कार मिला है, उसको कोई मान्यता प्रदान की है, उसको एक रिकॉग्निशन, उसको एक पहचान प्राप्त हुई है, तो उससे व्यक्ति जो है वो कार्य करने के लिए ज़्यादा अभिप्रेरित होता है। क्योंकि जब उसको मान्यता, स्वीकृति, पुरस्कार आदि प्राप्त होते हैं तो वो उसे और अधिक कार्य करने के लिए अवसर प्रदान करते हैं। फिर कर्मचारी को फ्यूचर में विकसित होने का कितना अवसर प्राप्त हो रहा है, यानी विकास के उसके अवसर क्या हैं, उसको ये तो नहीं लग रहा है कहीं कि मेरा कैरियर ब्लॉक हो जाएगा। तो यदि उसको भविष्य में विकास के अवसर प्राप्त होते हैं तो वो ज़्यादा कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। इसी तरह से उसका उत्तरदायित्व, आपने उसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रखी हैं, उसका कार्य अगर चैलेंजिंग है, इनोवेटिव है, तो वो कार्य करने के लिए और ज़्यादा मोटिवेट होता है, अभिप्रेरित होता है। तो आप इस तरह से उसको उत्तरदायित्व दीजिए जिससे कि वो कुशलतापूर्वक उनको संपन्न कर सके और उसको एक चैलेंज भी लगे। नीरस काम करना या रूटीन के काम करना कभी भी व्यक्ति को मोटिवेट नहीं करते। फिर उसको पर्सनल यानी व्यक्तिगत उन्नति के अवसर कितने प्राप्त हो रहे हैं, यानी वो संस्था के लिए तो काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन क्या उसको ये भी लग रहा है या उसके भी अवसर उसको प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं, कि मुझे स्वयं की उन्नति, तरक्की के कितने अवसर आदि प्राप्त हो रहे हैं। फिर कार्य की नेचर भी होती है, कई कार्य
आप कार्य को इस तरह से डिजाइन कीजिए कि कर्मचारी जो है वो उसको एक नयापन महसूस हो, कार्य करने में उसको मजा आए, और अगर कार्य में नीरसता है तो वो चीज उसको मोटिवेट नहीं करती है। तो देखिए, ये जो अभिप्रेरक तत्व हैं, ये मूल रूप से कार्य ही है कि उसका कार्य क्या है। वो कार्य में उसकी क्या चुनौतियां हैं, उसके कार्य की प्रकृति क्या है, उसके उत्तरदायित्व क्या हैं। तो व्यक्ति को मोटिवेट कुल मिलाकर हसबर्ग ये कहता है कि उसका कार्य ही करता है। और जो आरोग्य है या हाइजीन फैक्टर हैं, ये एक वातावरण उत्पन्न करते हैं, एक परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। तो ये हसबर्ग की विचारधारा है, जिसमें हमने दो प्रकार के तत्वों का अध्ययन किया, जिनमें आरोग्य तत्व हाइजीन फैक्टर्स और मोटिवेटर्स हैं। अब यदि देखिए, आप हसबर्ग को यदि कंपेयर करते हैं मास्लो से, तो मास्लो ने जो शुरू में तीन नीड बताई हैं, जीवन निर्वाह की है, सुरक्षा की है और सामाजिक है, तो ये तीनों नीड आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये हसबर्ग के आरोग्य या हाइजीन फैक्टर्स के अंतर्गत आती है, और कुछ सीमा तक अहंकारी आवश्यकताएं भी इसी का पार्ट है। यानी मास्लो और हर्ज़बर्ग में कंपैरिजन, यानी उनमें आपस में कोई विरोधाभास की सी स्थिति नहीं है। आप यूं कह सकते हैं कि शुरू की 3.5 जो है मास्लो की आवश्यकताएं, वो हर्ज़बर्ग के आरोग्य पोषक से मिलती जुलती हैं, उसके समान है। और लास्ट की 1.5, या आप कहें कि कुछ सीमा तक स्वाभिमान संबंधी आवश्यकताएं और आत्म विकास की आवश्यकताएं, ये हसबर्ग के अनुसार अभिप्रेरक तत्व के अंतर्गत आती हैं। तो ये दोनों में एक कंपैरिजन या तुलना हो सकती है, क्योंकि देखिए दोनों विद्वान लगभग एक ही समय में उन्होंने अपनी विचारधाराएं प्रस्तुत की, तो स्वाभाविक है कि दोनों में कंपैरिजन का होना, एक तुलना का होना। और तुलना में ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे से विपरीत या अलग बात बता रहे हैं। जिन चीजों को मास्लो ने आवश्यकता के रूप में परिभाषित किया, तो उन्हीं चीजों को हसबर्ग ने दो प्रकार के तत्वों के रूप में परिभाषित किया। तो मास्लो के जो शुरू के आप कह सकते हैं कि 3, और आंशिक रूप से जो चौथी आवश्यकता है अहंकारी आवश्यकता, उसका कुछ भाग जो है वो हसबर्ग की विचारधारा के मेंटेनेंस या हाइजीन फैक्टर से संबंधित है या उससे संबंध रखता है। और असली मोटिवेशन जो है, हसबर्ग का ये मानना है कि कार्य ही प्रदान कर रहा है। तो इसलिए जो मास्लो की दृष्टि से अपन देखें, तो आत्मविकास या स्वाभिमान जो है वो ही व्यक्ति को मोटिवेट करता है, वो ही अभिप्रेरित करता है। तो इस प्रकार मास्लो और हर्ट्ज़बर्ग दोनों की विचारधाराओं का हम एक तुलनात्मक अध्ययन जो है वो कर सकते हैं।